हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेपचा। लास्ट वीडियो में हमने कॉर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस किया था उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस थे जैसे डिस्टेंस फार्मूला सेक्शनल फार्मूला सेंट्रोइड के कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हमने देखा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं अगर आपको तीनों कॉर्डिनेट्स पता होते हैं तो सो so, इस वीडियो में आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन जो हमने पढ़ा था जो भी हमने फॉर्मुलेस देखे थे उस पर बेस्ड क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको हम देखेंगे उनका एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे ठीक है तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एम वन बी थ्री कॉम टू एंड सी थ्री कॉमा जीरो आर सो बेसिकली एक ट्राइंगल है जिसके तीनों ए बी और सी है उनके कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी वो इनमें से कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल आट्रल सेकेंड इज आइसोसलस थर्ड इज आइसोसलस राइट ट्राइंगल एंड द फोर्थ इज केलिन ट्राइंगल देखिए ये जो सवाल है ऑफकोर्स ये कॉर्डिनेट जोमेट्री का है और जो हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड है लेकिन बिफोर वी मूव ऑन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म्स हमने लिखे हुए हैं जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं वर्ड्स दिख रहे हैं वो तो हैं क्या चीज़ ठीक है तो आई होप कि थोड़ा बहुत जोमेट्री आपने पढ़ा होगा बट अगेन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं

ट्राई करते हैं सॉल्व करते हैं इसे सो so, uh, अभी हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स uh, आपको पता है ए बी और सी ठीक है अब देखिए गौर से अगर आप ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने को uh, ये इंडिकेट कर रहे हैं मुझे ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शंस जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं साइड से रिलेटेड हमारी बातें हो रही है तो हम क्या करेंगे हम ये जो ट्राइंगल है ए बी सी इसके साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है और साइड्स हम कैसे निकालेंगे थ्रू द डिस्टेंस फॉर्मूला राइट सो हमें ए बी और सी तीनों के कॉर्डिनेट्स पाता है तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग ए बी की लेंथ निकालते हैं तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर सो so, ये कितना हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर दट इज इक्वल टू रूट टू तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि जो ए बी की लेंथ आ रही है ए बी जो साइड है ठीक है उसकी लेंथ कितनी होगी हमारी रूट टू सो ए बी लेंथ होगी आपकी रूट टू ठीक है अब एक काम करते हैं नेक्स्ट हम लोग बीसी निकालते हैं तो बीसी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस जीरो माइनस टू का स्क्वेयर तो एक तरीके से ये कितना हो गया टू का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू टू तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बीसी की जो लेंथ आ रही है दैट इज इक्वल टू टू यूनिट ठीक है तो रूट टू है ये टू यूनिट्स राइट अब हम क्या करेंगे तीसरा ए सी की लेंथ देखते हैं ठीक है तो ए सी जो है AC की लेंथ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉमुला तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री माइनस टू का स्क्वेयर प्लस जीरो माइनस वन का स्क्वेयर और उसका रूट निकालना पुरेगा तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ये हो गया आपका रूट टू तो एक तरीके से ये जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है रूट टू तो अगर मैं इस फाइनल को देखूं तो मुझे तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई है एक रूट टू है एक रूट टू है और एक टू है ठीक है तो डेफिनेटली ये जो ट्राएंगल बन रहा है दिस वुड बी एन आइसॉसल ट्राएंगल ठीक है तो एक ऑप्शन इसमें जो है वो आइसॉसलस ट्राएंगल है बट अगर मैं सिर्फ इसी पे छोड़ दूंगा तो सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो था थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि आइसॉसल राइट ट्राएंगल तो मुझे उसे भी चेक करना पड़ेगा अब अगर मान लो मैं को चेक करना है कि एक ट्राएंगल राइट है कि नहीं और मुझे अगर मान लो उसके तीनों साइड्स पता हैं तो ध्यान दीजिएगा Uh, हमने पढ़ा है बचपन में कि कोई भी अगर एक राइट right ट्राइंगल होता है ए बी और सी इस ट्राइंगल में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम लगता है दैट इज नोन एज द थ्योरम और थ्योरम क्या बोलता है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स शुड बी इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड या स्क्वायर ऑफ द हाइपर डेंडस ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल में देखिए रूट टू रूट टू तो रूट टू का स्क्वाज टू रूट टू का स्क्वायर एज टू तो टू प्लस टू बेसिकली फोर हो गया एंड यहाँ पर आप बी सी को देखें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी फोर आ रहा है तो आई कैन से ये जो साइड्स हैं वो पैथागोरस थियोरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी एंड ए सी आर द टू परपेंडिकुलर साइड्स तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये जो ट्राइंगल है ये आइसॉसल भी है और ये राइट भी है तो इसलिए क्या बोलेंगे हम कि ऑप्शन नंबर थ्री जो था दैट इज करेक्ट ठीक है तो यहाँ पर देखिए केयरफुल होने की बहुत जरूरत है क्योंकि ऑप्शन uh, जो थे सेकेंड और थर्ड थे दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा ठीक है सो आई रियली होप कि uh, ये uh, इसका सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने सिंपली यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमने साइड्स निकाली एंड देन बेस्ड ऑन द साइड्स हमें एक आइडिया लग गया कि ट्राइंगल कैसा है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज सेज नेक्स्ट इन रेशियो द पॉइंट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू कामा फोर एंड माइनस वन कामा थ्री सो बेसिकली आपको दिया हुआ है कि एक पॉइंट है विच इज फोर बाय फाइव कामा एटीन बाय फाइव तो इस पॉइंट के कोर्डिनेट सही ये और हमें निकालना है कि किस रेशियो में ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को दो पॉइंट्स क्या है टू कामा फोर और माइनस वन कामा थ्री इसको किस रेशियो में डिवाइड कर ठीक है सो इसको देख कर एक एक छोटा सा हमको आइडिया लग ही रहा होगा कि डेफिनेटली हमने सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है तो आ, मुझे तो उसी का एप्लीकेशन दिख रहा है तो ट्राई करते हैं इसे सोल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास में आ, दो पॉइंट्स हैं ठीक है आ, एक टू कॉमा फोर है और एक कौन सा पॉइंट है माइनस वन कामा थ्री ठीक है और अब इनके बीच में कहीं पर एक पॉइंट लेट से मैं ले लेता हूं जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए फोर बाय फाइव कॉमा एटीन बाई फाइव ठीक है कहीं पर बीच में तो हमें वही निकालना है कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा राइट इसको हम ए मान लेते हैं इसे बी मान लेते हैं इसे पी मान लेते हैं राइट ठीक है सो ना अज्यूम करते हैं कि लेट से ये जो पॉइंट पी है वो एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब ए पी एस टू पी बी रेशियो ऑफ एम एस टू एन ठीक है तो सेक्शनल uh, फॉर्मूला अगर हम लगाएं इसमें ठीक है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कॉर्डिनेट क्या आने चाहिए फॉर्मूला uh, क्या था प्लस प्लस अपॉन ये क्या था ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था ठीक है तो यहां पर भी अगर मैं लगाऊ तो क्या हो जाएगा माइनस वन इन टू एम प्लस टू इंटू एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन ये क्या हो गया दिस वु द एक्स कॉर्डिनेट और एक्स कॉर्डिनेट की वैल्यू कितनी दी हुई हमको दिस इज इक्वल टू फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यह कितना हो गया माइनस फाइव एम प्लस टेन एन इज इक्वल टू फोर एम प्लस फोर एन राइट ये इधर चल जाएगा ये हो जाएगा सिक्स एन इज इक्वल टू नाइन एम और आई कैन से एम बाई एन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सिक्स बाई नाइन विच इज इक्वल टू टू बाई थ्री सो यही हमारा आंसर हो गया हमारे को यही तो निकालना है कि किस रेशियो में पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है मतलब मुझे एम एस टू एन की वैल्यू निकालनी और रही एम एस टू एन कितना आ रहा है टू बाई थ्री इसका मतलब क्या है टू बाई थ्री का रेशियो uh, में डिवाइड कर रहा है मतलब एक तरीके से ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी ए बी को इन द रेशियो ऑफ टू इज टू थ्री राइट तो देखिए कितना डायरेक्ट uh, प्रॉब्लम था ये

डी और वो किसका मिड पॉइंट है ए बी का आई होप कि आपको सभी को पता है कि मिड पॉइंट क्या होता है तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है ई e जो है ई e किसका मिड पॉइंट इट इज अड पॉइंट ऑफ ए सी ए सी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है और एफ जो है एफ इज अड पॉइंट ऑफ बी सी राइट हमको निकालना है वॉट इज द एरिया ऑफ ट्रांगल डी ई एफ तो बेसिकली जो डी ई e और एफ जो पॉइंट्स हैं जो कि मिड पॉइंट्स तीनों साइड्स के उनको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा और जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा ये हमको आइडेंटिफाई करना है ये हमको फिगर आउट करना है ठीक है so, सो चलिए देखते हैं सोल्यूशन को so, सबसे पहले तो आ, आ, ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है राइट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ए के है टू कॉमा माइनस वन बी के कोऑर्डिनेट्स पता है सी के कोऑर्डिनेट्स पता है ठीक है अब पहली चीज डी जो है डी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है

Uh, कैसे अप्रोच करें इसे ठीक है देखिए दो तरीके से इसको हम अप्रोच कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है डी बी ई और एफ तीनों मिड पॉइंट्स है राइट तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें आते निकालने राइट अगर मैं किसी भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो वो क्या होते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू हो जाते थे राइट याद कर एवरेज हो जाते थे एक्स कोऑर्डिनेट्स के ठीक है तो अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ कितना है ये फोर है टू है तो ये कितना हो गया थ्री कॉमा ये हो गया वन वन बाई टू तो मुझे डी के कॉर्डिनेट्स पता चल गए मैं F के देख सकता हूं, ये कितना हो गया 2, 2। e 5, तो 5 तो देखिए उसमें तीनों पॉइंट्स तीनो के कॉर्डिनेट्स पता है राइट अब मैं क्या कर सकता हूं सिंपली एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं एरिया का फॉर्मूला क्या था फिर से रिवाइज कर लेते हैं किसी भी ट्राइंगल के एरिया अगर हमको निकालना है दैट इज हाफ ऑफ मोडुलस ऑफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू ठीक है और एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू और इसका पूरे का मॉड राइट सो ये आपका किसका फॉर्मूला होता है आपका एरिया का फॉर्मूला होता है राइट फिर एक्स वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं राइट right? तो अब आप गौर से देखिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है बी ई e और एफ राइट right? अगर हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं वैल्यू तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है इस गिवन सिचुएशन में देखूंगा तो वो कितना आ रहा है थ्री बाई एट वैल्यू डाल के देखिएगा आपका आंसर यही so, तो, आ जाएगा थ्री बाई एट सो थ्री बाई एट इज द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है तो ये जो तरीका था आ, ये आपका एक तरीका हुआ वन वे ऑफ डूइंग सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अब दूसरी चीज जो है आ, वो करने से पहले हमको एक चीज तो रियलाइज हो जाएगी इसको देखते हुए जो फर्स्ट अप्रोच थी ये जो डी ई और एफ है अगर मैं निकाल रहा हूं ठीक है अभी तो पॉइंट्स निकल गए लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो फ्रैक्शन आ रहे हैं गंदे गंदे से फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में आपको यहाँ पर डील करना पड़ेगा जब भी फ्रैक्शन आते हैं तो जो कैलकुलशंस हो जाती है वो थोड़ी सी कंबलसम हो जाती है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है तो कोशिश हमको ये करनी चाहिए हम यूजली इंटीजर्स में काम करें अब देखिए अगर मैं ए बी सी जो ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स को देखूं ए बीसी के ठीक है तो ये आपके इंटीजर्स है लविंग वैल्यूज हैं ये सारी के सारी की ठीक तो है तो कैन आई कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पहले हम एक काम करते हैं छोटा सा हम एरिया निकाल लेते हैं इसका ठीक है तो पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का निकाल रहे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं देखू तो ए बी सी का एरिया अगर आप कैलकुलेट अगेन यूजिंग दिस फॉर्मुला अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका थ्री बाय टू सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो गया थ्री बाय टू हो गया ठीक है अब अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी हुई है ठीक है तो आप यह चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यह जो ट्राइंगल बन रहा है डीई एफ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री साइड्स वो बेसिकली उसका एरिया जो है दैट वुड बी वन फोर्थ द एरिया ऑफ दिस एंटायर ट्राइंगल मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई एफ जो हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू वन फोर्थ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी अब देखिये एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आ, ऐसा क्यों हो रहा है आ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आ, ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है सिमिलैरिटी तो सिमिलैरिटी को अगर आप यूज़ करते हैं और इसमें भी अगेन बेसिक पोशनार्टी थ्योरम यूज़ करते हैं तो उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन होती है वो पैरेलल होगी बी सी के एंड फर्दर इनका रेशियो वन इज टू तो टू का होता है तो अगेन एंड देन यूजिंग इन सिमिलैरिटी हम देख सकते हैं कि ये जो चारों ट्राइंगल्स बन रहे हैं सभी का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा तो अगर मान लो इसका एरिया ए है तो ये भी ए होगा ये भी ए होगा ये भी ए होगा तो अगर नहीं पता आपको आपने नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री में ये सब चीज़ें तो कोई इश्यू नहीं है इसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्राएंगल में अगर आप आ, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और ट्राइंगल बनाते हैं तो ये चार ट्राइंगल्स आपके बन रहे चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा ठीक है तो डेफिनेटली अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई मुझे ए बी सी का एरिया पता है विच इज थ्री बाय टू एरिया ऑफ ट्राएंगल डी एफ इज वन फोर्थ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मैं क्या बोल सकता हूँ दिस वुड बी वन बाय फोर टाइम्स थ्री बाई टू तो ये आंसर हो गया हमारा थ्री विच इज द सेम जो हमने ऐसे कैलकुलेट किया तो आप कैसे भी कर सकते हैं कैलकुलेट अगर आपको डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल के फिर एरिया निकाल सकते हैं आ, उस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा और अगर मान लो लेट अगर आप टोटल ट्राइंगल निकाल लें ए बी सी ए बी सी का एरिया निकल जाएगा राइट विच इज वो क्यों ईजली निकल जाएगा क्योंकि ये सारे जो कॉर्डिनेट्स दिए हुए वो सारे के सारे इंटीजर्स है राइट तो आप बड़े ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं उसका वन फोर्थ कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो खैर बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखिए आपको प्रॉब्लम्स देखने के बाद एटलीस्ट ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग एल राइट तो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होगी होगी तो मेरा आ, मेरी हिदायत होगी आपको कि थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ लीजिए एन को देख लीजिए नाइन टेंथ स्टैंडर्ड की वहाँ से थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का एक बेसिक जो आइडिया है ठीक है ट्राइंगल्स में क्या होती है प्रॉपर्टीज़ और जो कि पॉइंट्स होते हैं एंड्रॉयड औरटर सरकम सेंटर ये सब क्या होता है थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जैसे सिमिलैरिटी हो गई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि उसका एप्लीकेशन डेफिनेटली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो गई होगा ठीक है सो आई होप कि हमने तीनों जो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर होंगे uh, समझ आ गया होगा कि कैसे जो हमने फॉर्मुलस पढ़े हैं उनका कैसे एप्लीकेशन होता है इन रियल प्रॉब्लम्स आज सच ठीक है सो so, uh, इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कॉर्डिनेट जोमेट्री का सो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो हम लोग देखेंगे कि स्लोप क्या होता है uh, किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं यूजिंग डिफरेंट कंडीशन गिवेन टू अस ठीक है एंड देन फॉलोड बाय दैट हम लोग uh, कुछ अगेन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमको और कॉन्सेपचुअली और हम साउंड हो सके ठीक है सो एनी वे थैंक यू एंड स्टे यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो